विक्की जी गुड इवनिंग, कैसे हो? गुड इवनिंग जी। शुभम जैन, क्रोनिक फिशर के घाव कितने दिन में भरते हैं? क्रोनिक फिशर का कंडीशन अगर आपका खराब है तो क्षार सुत्रा ही कराना पड़ेगा, उसके बाद जो घाव है वो 1.5 महीने में कम से कम भरते हैं। क्रोनिक फिशर के अंदर क्षार सुत्रा के अलावा दूसरा कोई समाधान नहीं होता। गुलाम रब्बानी, क्षार सुत्रा बढ़िया है भाई, बहुत अच्छा है क्षार सुत्रा। फिस्टुला होने के मेन रीजन क्या है? लंबी सिटिंग करना, लंबी ड्राइव करना और बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी नॉनवेज खाना। वुंड हील हो गया है, डॉक्टर ने चेक विजिट पे बुलाया है 1 मंथ बाद। नहीं, अगर वुंड हील हो गया है तो क्रोनिक फिशर किसने बोला है? अगर वुंड हील हो गया है तो क्रोनिक फिशर है ही नहीं, फिर तो वो एक्यूट फिशर था। क्रोनिक फिशर कभी भी किसी भी तरह की मेडिसिन से हील नहीं होता। क्षार सुत्रा के ठीक होने के बाद अगर मोशन टाइट हो जाए क्या वापस? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आपका खाना पीना बहुत ज़्यादा खराब होगा, बहुत ज़्यादा गलत होगा, बहुत ज़्यादा गलत का मतलब 24 घंटे आप नॉन वेज खाते हो, अपनी लाइफ स्टाइल अपनी मर्जी की जीते हो, तो कभी कभी एक्यूट फिशर क्रिएट होते हैं। एक्यूट फिशर का मतलब कि वो फिशर इजिली ठीक हो जाते हैं मेडिसिन से। क्रोनिक फिशर कभी भी दोबारा रिपीट नहीं हो सकते क्षार सुत्रा के बाद, लेकिन आपका क्षार सुत्रा प्रॉपर रूप से किया गया हो। ठीक है, बहुत से लोग क्षार सुत्रा के नाम पे लेजर कर देते हैं, बहुत से लोग क्षार सुत्रा के नाम पे LIS कर देते हैं, तो वो चीज़ आपको डिसाइड करना है कि भाई क्षार सुत्रा का तरीका आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि सर क्षार सुत्रा कैसे करोगे आप। सर जी गुड इवनिंग, फिशला की सर्जरी 4 महीने हो गए हैं, क्या अब मैं सब खा सकता हूँ? सब खाने का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें आपके शरीर के लिए अच्छी है वो लो, जो चीज़ें खराब है गुटखा पान तंबाकू ड्रिंक नॉन वेज जो खराब है वो मत लो। वो तो भाई आपकी लाइफ स्टाइल है, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपको क्या करना है, कैसे जीना है, कैसे करना है, ये तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, पाइल्स में होम्योपैथी जीरो, मैं ठीक हो गया। ओके, सूजन आने पर कौन सी दवाई लगाए? बिना देखे पॉसिबिलिटी नहीं बनती, बीमारियों को घर बैठे बैठे ट्रीटमेंट क्या करूं? कभी कभी बीमारियां बहुत सीरियस हो जाती हैं, अपने नियरेस्ट प्रोक्टोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, उनको दिखाओ। क्रोनिक फिशर से 10-11 साल से परेशान है, क्या किया जाए? क्षार सुत्रा की तैयारी करें सर। क्या फिशला दोबारा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर आपका मॉडर्न सर्जरी हुआ है तो। क्षार सुत्रा के बाद कभी नहीं होता। आज पहली बार लेटरिंग में हल्का खून आया है, कोई घबराने की बात नहीं है बेटे। मोशन के रास्ते जाते तेल से मसाज करें, रेगुलर जाते तेल से मसाज करोगे स्लोली स्लोली रिकवरी बनेगी। कभी कभी होता है क्या है कि हल्का ब्लड जो आता है वो कभी कभी मोशन के रास्ते हल्के छिल जाने की वजह से आता है, जिसको हम एक्यूट फिशर बोलते हैं। वो आप हल्का खाने पीने का केयर करो, कब्ज का केयर करो, ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर दोबारा ब्लड आता है तो अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिलो। पिनवॉर्म क्या होते हैं भाई? ये मेरे भाई होते तो अब वर्म्स का एक पार्ट है, अब ये मेरा डिपार्टमेंट तो है नहीं, अब इसको कैसे बताएं? वुंड हील होने के बाद क्या क्या ध्यान रखें? बस ऑयली स्पाइसी नॉनवेज पैक्ड फूड बाजार के खाने जितने भी होते हैं, या बहुत लंबा सेडिंग करना, बहुत लंबा ड्राइव करना, अपनी बैड लाइफ स्टाइल का थोड़ा सा बदलो। ठीक है, सुधांशु जी, सर एनल एरिया में 2 महीने से जलन दर्द देता है, फैटी लीवर 2 साल से है, GOT बड़ा है, डॉक्टर बोला फिशर नहीं है, प्लीज गाइड मी। अगर फिशर नहीं है तो इसका मतलब क्या है सुधांशु? कि आपके एसिड सिक्रीशंस ज्यादा होते हैं मलद्वार से, जिसकी वजह से आपको बर्निंग सेंसेशन होता है और हल्का जो पेन होता है, हो सकता है कि माइल्ड फिशर हो। लगातार जैते तेल से मसाज करें, ऑयलिंग करें, इससे आपकी रिकवरी अच्छी बन जाएगी। ठीक है, ठीक है मोहन बेटे, हल्का खून आया, कोई घबराने की बात नहीं है, जो मैंने बताया वो करो। शंकर जी, सर मैंने पाइल्स का लेजर ऑपरेशन करवाया था, मेरा रास्ता संकरा हो गया है जिससे फिशर बन गया है, दोबारा भी करवाया लिया पर ठीक नहीं हुआ है, अभी भी दर्द होता है, रास्ता भी संकरा हो गया है। क्षार सुत्रा की तैयारी करें, आपके मॉडर्न सर्जरी या लेजर में कोई समाधान नहीं होगा, क्षार सुत्रा ही होगा आपका।
सुधांशु जी, सर एरिया में 2 महीने से जलन दर्द होता है, बता दिया मैंने सुधांशु जी। परवीन चौधरी, सर मुझे पहले फिशर था वो ठीक हो गया है, अब 10 दिन से ब्लीडिंग हो रही है। हो बेटे परवीन, अपने नियरेस्ट किसी प्रोक्टोलॉजिस्ट से मिलो, कभी कभी होता है इंटरनल पाइल मास की वजह से ब्लीडिंग, या अगर आपको फिशर था वो ठीक है, अगर ब्लीडिंग अब भी हो रही है तो इसका मतलब हो सकता है इंटरनल पाइल मास की वजह से हो, एक बार किसी अच्छे प्रोक्टोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लेना। अपने नियरेस्ट किसी भी मलद्वार के स्पेशलिस्ट को दिखा लो, ठीक है। अरे प्राकुल, एक बार पेशेंट को मेरे पास भेजना। इनको भेजना है, पेशेंट बैठा, एक बार इधर आना बेटे। वो बैठा हुआ है जो पेशेंट बैठा हुआ है ना, आना भैया एक बार इधर। किसको? मैडम को दिखाना है ना, टाइम लगेगा उनको, डीएनसी कर रही है तो केस कर रही है। अब टाइम का कैसे बताएं बेटे, केस में है, ओटी में है, कैसे पता लगेगा? जब ठीक करेंगे आएंगी तभी फाइनल करेंगे केस को। बेटे अंदर केस में है मैडम, कैसे देखेंगे? हाँ आधा पौना घंटा बैठ जाओ, वो आराम से डीएनसी करके आएंगी, अभी गई थी अंदर। सर मैंने फिशर का ऑपरेशन करवाया था 4 महीने पहले, एनल के पास कुछ छोटी छोटी फुंसी होती है कुछ समय बाद अपने आप, ये कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे, ये एलर्जी हो सकती है छोटी मोटी मोशन के रास्ते के चारों तरफ, ये किसी स्किन स्पेसिस से एक बार कंसल्ट कर लो, ठीक है। कभी कभी फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, कोई घबराने की बात नहीं, ठीक है भाई। मोहन ने ही सारे मैसेज कर दिए भैया, सर जी मेरा छाप सुथरा हुआ है फिस्टुला का, मेरा जख्म अच्छा हुआ पर एक छोटी फुंसी जैसा जख्म है, अच्छा नहीं हो रहा। गुलाम बेटे पहले तो ये देखो कि आपका छाप सुथरा ही हुआ है कि कोई झोला छाप बंगाली संगाली के पास ट्रीटमेंट कराया है। सबसे पहली प्रायोरिटी पेशेंट्स की होनी चाहिए कि अपने कम से कम ये कन्फर्म कर लो कि जो आपके डॉक्टर हैं जो ट्रीटमेंट आपको देने वाले हैं वो आपके लिए कंप्लीट डिग्री वाले हैं, कंप्लीट उनके पास ऑथेंटिसिटी है कि नहीं है। बहुत से पेशेंट्स बंगाली मद्रासी के पास इलाज कराते हैं और हमको कहते हैं कि सर मेरा छाप सुथरा हुआ है, तो ये कुछ कमियां हैं पेशेंटों के अंदर भी, जो पेशेंट मतलब बीमारी का भई ये बंगाली मद्रासी आए कहाँ से हैं, कम से कम ये तो देख लो कि भई ये डॉक्टर आए कहाँ से बन के, इनके कौन से मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ से पढ़ के आते हैं। तो ऐसे डॉक्टरों के चक्कर में मत पड़ा करो, अच्छे प्रोक्टोलॉजिस्ट को एक बार कंसल्ट किया करो, अच्छे डॉक्टर को दिखाया करो, ठीक है। सत्यम बेटे फिशर हो गया, कट लग गया, कोई बात नहीं बेटे, रेगुलर जैतून तेल से मोशन के रास्ते मसाज करो, गुनगुने पानी की सिकाई करो। एक फिशर का वीडियो हमारा पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, उसको जाके देखो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और कंप्लीट ट्रीटमेंट उसके अंदर हमने बता रखा है, ठीक है। मूलाराम, सर जी मेरे को इंटरनल फिस्टुला था और मैंने छाछ सुथरा करवाया है, अभी पस आ रहा है और छाछ सुथरा डॉक्टर अभिषेक शर्मा के पास करवाया था, बोल रहे हैं कि जख्म है, कब तक पसाएगा? जब तक इंटरनली वुंड आपका कंप्लीट क्लियर नहीं होगा, वो पस नहीं है, वो हीलिंग पार्ट का एक हिस्सा है, वाइट वाइट सा जो चिपचिपा पानी निकलता है वो पस नहीं होता, ठीक है। अपने डॉक्टर के ऊपर फेथ करना भी सीखो, अगर अच्छे डॉक्टर हैं तो फेथ करो, विश्वास करो अपने डॉक्टर के ऊपर, ऐसे इलाज नहीं होते। पस नहीं होता, मोशन के रास्ते जो वाइट डिस्चार्ज निकलता है आफ्टर छाछ सुथरा, वो हीलिंग प्रोसेस का पार्ट है। उसका रीजन ये होता है कि भाई देखो, जो मलद्वार के अंदर के जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं, चाहे वो सर्जरी हो, छाछ सुथरा हो, कोई भी एक्स वाई जेड किसी भी तरह का प्रोसीजर हो, मोशन के रास्ते कभी स्टिच वगैरह नहीं लगते, जैसे टाके वगैरह लगा देते हैं वो नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब हील करता है पार्ट, जो आपका सर्जरी का पार्ट होता है, जब वो हील करता है तो जब वो अपने आप में कम्युनिकेशन करता है, अटैच करता है एक दूसरे फाइबर्स को, मसल्स जुड़ती हैं, तो वो जो डिस्चार्ज होता है वो उसका हीलिंग प्रोसेस का एक पार्ट होता है। कभी देखा होगा आपने कोई भी बड़े बड़े घाव होते हैं, जब उनको साफ करते हैं तो हल्का हल्का सफ़ेद सफ़ेद सा चिपचिपा सा कुछ उनके अंदर लगा होता है,
वो हीलिंग प्रोसेस का पार्ट है, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स रखो, ठीक है बेटे। एक मिनट भाई, हाँ सरसों के तेल की कर सकते हो, जैत्यादि तेल बेस्ट है। जैत्यादि तेल किसी भी स्टोर से मिल जाएगा। पिनवॉर्म इन एनल एरिया होते हैं, अरे तो भैया पिनवॉर्म एनल एरिया होते हैं तो पिनवॉर्म का इलाज थोड़ी करेंगे हम, मलद्वार की किसी भी डिफॉर्मिटी का इलाज करेंगे। पिनवॉर्म होते हैं तो आप कोई भी वर्म्स की टेबलेट ले लो, जेंटिल ले लो, बैंडी प्लस ले लो। क्यों मेरा वो एग्जाम ले रहे हो? वॉर्म्स तो होते ही हैं भाई मलद्वार के अंदर, अगर वॉर्म्स हैं तो उसके लिए जेंटिल या बैंडी प्लस आती है, वो ले लो, ठीक है। ये काम तो जनरल फिजिशियन भी कर सकता है। हम हैं प्रोक्टोलॉजिस्ट, मलद्वार की डिफॉर्मिटी को इरेडिकेट करने वाले डॉक्टर। मलद्वार के चारों तरफ अगर खुजली भी है तब भी हम काम नहीं करेंगे। अगर मलद्वार के चारों तरफ फंगल इन्फेक्शन है तब भी हमारा काम नहीं है। हाँ फिर भी मेडिसिन थोड़ी बहुत दे देते हैं, लेकिन हमारा रोल नहीं है। हमारा रोल कहाँ स्टार्ट होता है? जहाँ आपको पाइल्स है, फिशर है, पाइलोनल साइनस है, फिस्टुला है, जहाँ छार सुतरा लग सकता है। पिनवॉर्म में छार सुतरा थोड़ी घुसा देंगे। समझते तो हो नहीं हो यार किस चीज़ के डॉक्टर हैं, बस ऐसी अपनी नॉलेज को देखते हो कि नॉलेज है कि डॉक्टर को कि नहीं है, पढ़ा लिखा है कि नहीं है। दीपक शर्मा नमस्ते भाई। गुदा के क्या है, बार हाथ लगाने पर हार्डनेस लगता है क्या? फिस्टुला ठीक नहीं हुआ है, थोड़ा पस आता है। मुलाराम जी देखो, अगर अगर डॉक्टर आपके काम करने वाले रजिस्टर्ड हैं, अच्छे प्रोक्टोलॉजिस्ट हैं, तो फिर माइंड को कम्प्लीटली रिलैक्स किया करो। और मेंटली रिलैक्सेशन से क्या होता है कि आपकी छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशन जो होती है ना, छोटी मोटी बीमारियों की साइड कॉम्प्लिकेशन जो निकलती हैं, वो अपने आप ही रिजोल्व हो जाती हैं समय के साथ। बहुत से पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि सर जैसे आपका फिस्टुला का ट्रीटमेंट हुआ है, छार सुतरा भी कराया, लेकिन सर हल्का हल्का पेन रहता है। हल्का पेन रहने का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी चीज़ के सिम्टम्स छोटे मोटे होते हैं। देखो आप ये चीज़ मत समझो कि एक स्वस्थ आदमी के अंदर और आपके अंदर हल्का सा अंतर है, बिकॉज कि आप लोग मलद्वार के पेशेंट हो। एक आदमी स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, तो उसके एनल एरिया की जो ब्लड सर्कुलेशन होगा, जो ताकत होगी, अलग होगी। और आपके शरीर के अंदर का जो, आपका तो एक बार सर्जरी के अंदर हो चुका है, तो जो सर्जरी जिनकी हुई है तो वो चीज़ एक वीकनेस के अंदर आती है, आपकी वो ताकत नहीं रह सकती जो एक नेचुरल बंदे की होती है, स्वस्थ आदमी की होती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी समझने की कोशिश किया करो। आप अपने अपने कंपेरिजन स्वस्थ आदमी से क्यों करते हो? छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस बनती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम बनती है, वो उसको इग्नोर किया करो। हल्का मोशन के रास्ते दर्द बनना, इसलिए हम कहते हैं कि लंबी सिटिंग लंबी ड्राइव का थोड़ा केयर करें। और जितने भी मलद्वार के रोगी हैं उनको हम सबको कहते हैं कि भाई नॉन वेज ना खाएं, ऑयली स्पाइसी। बहुत से पेशेंट कहते हैं सर ऐसे सर कैसे चलेगा? भाई वो आपकी पर्सनल लाइफ है, चलने को तो क्या नहीं चलता, आपकी लाइफ है। आपको कोई भी डिफॉर्मिटी बनी है, कोई भी बीमारी आपको बनी है, ये तो आपकी पर्सनल लाइफ है, आपको करना क्या है। बहुत से कहते हैं सर मैं गुटखा के बिना रह नहीं सकता, तो भाई मरो। जिसको गुटखे खाने हैं, ड्रिंक करनी है, नॉनवेज खाना है, तो मरो, जो होएगा देखा जाएगा। आप लोग तो वही करते हैं ना, बहुत से पेशेंट अपना इलाज कराने के बाद कहते हैं सर मैं इसके बिना नहीं रह सकता। भाई नहीं रह सकते तो ठीक है भाई, जाओ जो करना है करो अपनी लाइफ में, दिक्कत बनेगी फिर दोबारा आना, फिर केस कराना, समझे। कुछ चीज़ें बेटे, कुछ चीज़ें अंदर से अपने आप को मजबूत बना के कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ सकती है। बीमारियां ऐसी होती हैं, बहुत से को लीवर के अंदर, किसी को SGPT SGOT हुआ, किसी को फैटी लीवर हुआ, किसी को दूसरी प्रॉब्लम हुई लीवर की, या कोई दूसरी बीमारी हुई, तो डॉक्टर क्या कहते हैं भाई ये चीज़ बंद कर दो, चिकनाई बंद कर दो, ये नहीं करना वो नहीं करना। आपको कि नहीं सर इसके बिना सर मैं रह नहीं पाता, तो भाई रह नहीं पाता तो भैया मरो। डॉक्टर क्या 24 घंटे तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे? डॉक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने केबिन तक है, डॉक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बीमारी के इलाज करने तक की है। उसके बाद डॉक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये थोड़ी कि आपके पास पीछे पीछे घूमेंगे, भाई साहब किस रेस्टोरेंट में जाके बैठे हो, क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, किस फ्रेंड्स के साथ बैठ के ड्रिंक कर रहे हो, वो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना भाई। आपके अपने परिवार की अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लेना चाहते हो, केयर करना चाहते हो परिवार की, अपने आप में कुछ करना चाहते हो, तो आपको केयर करना पड़ेगा अपना। जैत्यादि तेल की मसाज कर भैया, जैत्यादि तेल की।
जात्यादि तेल, ठीक है सर। कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने का परमानेंट ट्रीटमेंट बताएं, साफ सुथरा के बाद कॉन्स्टिपेशन से ही प्रॉब्लम होती है। नहीं, साफ सुथरा के बाद तो कभी प्रॉब्लम होती नहीं है। आप स्टूल हार्ड भी आएगा तो भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन स्टूल हार्ड आएगा तो मोशन के रास्ते तेल हमेशा लगाया करो, दिक्कत बनेगी नहीं। रही बात कॉन्स्टिपेशन की, तो कॉन्स्टिपेशन बेटे आपकी कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल का कोई पार्ट, ऐसा हिस्सा पड़ा हुआ है जहां पे कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही है। कब्ज मीन्स नथिंग, कब्ज किसी तरह की भी बीमारी का नाम नहीं है, और पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो कहते हैं कि मैं कब्ज को ठीक कर दूं। कब्ज को आप अपने ट्रेडिशनल वे से खत्म कर सकते हो, लाइक जैसे योगा करके, तो वर्कआउट करके, तो अपनी कैलोरीज को बर्न करके, तो ऑयली स्पाइसी को अवॉइड करके, तो फ्रूट्स ज़्यादा लो, सब्जी ज़्यादा लो, मतलब फाइबर जिसके अंदर ज़्यादा हो ऐसी चीज़ें ज़्यादा लोगे, दूध लोगे, घी बहुत ज़्यादा लोगे, तो कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा। अब परमानेंट सॉल्यूशन क्या होता है? परमानेंट सॉल्यूशन क्या मतलब? कोई ऐसी दवाई थोड़ी है कि जो परमानेंट लेते रहो और परमानेंट आप चलो भाई कब्ज मेरा बने ही ना, और आपकी अपनी पसंद की जो लापरवाही है वो चलती रहे। कुछ चीज़ें आप अपनी बीमारी को ख़त्म करने का एक बड़ा आसान तरीका होता है अपने माइंड को मजबूत करना और अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर चेंज लेके आना। अगर इस तरह से आप करोगे तो बहुत शानदार रिजल्ट अपने आप मिलने लगेगा। आप देखो 5-6 दिन के अंदर अंदर ही चेंज आना शुरू हो जाएगा। अभी लोग अभी टाइम क्या करते हैं, अभी क्या करते हैं लोग, अभी बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उसके बाद तुरंत बेड पे ही पड़े रहते हैं, उसके बाद फिर डिनर का टाइम होता है, डिनर करते हैं, फिर बेड पे सो जाते हैं, मतलब कोई बॉडी का मूवमेंट ही नहीं करते। आपका मॉर्निंग में उठते हैं, मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले ड्यूटी भागते हैं, ड्यूटी भागने के बाद अपना वर्क करने के बाद आते हैं, लंच करते हैं, लंच के बाद चलो डिनर करते हैं, डिनर के बाद 1 सेकंड भी जो घूमना पसंद करता हो बंदा कोई, तो ये सब चीज़ें आपकी अपनी बैड लाइफ स्टाइल का एक पार्ट है। हाँ, जो बंदे मार्केटिंग करते हैं, जैसे बहुत से बंदे मूवमेंट ज़्यादा करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ज़्यादा वर्कआउट घर पे करे या ना करे, क्योंकि उनका ऑलरेडी ड्यूटी के दौरान ही बहुत ज़्यादा वर्क हो जाता है। जो बंदे कुर्सियों में बैठ के काम करते हैं, जो गए ऑफिस में गए कुर्सी में बैठ जाते हैं और शाम तक कुर्सी से हिलते नहीं हैं, उसके बाद घर जाने के बाद डिनर करने के बाद भी बेड पे पड़े रहते हैं, टीवी देख के ही सो जाते हैं, ऐसे पेशेंट्स के लिए बोल रहे हैं कि आप अगर अपनी केयर नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा बीमारियां आपको पकड़ सकती है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप लोगों की खुद की है भाई, ठीक है। एलन फिशर का ऑपरेशन करवा लिया है, अभी भी जलन होता है सर, एज 24 है बेटे। ये तो अपने डॉक्टर से बात करो जिनसे ऑपरेशन कराया है, ठीक है। फिशर में कॉन्स्टिपेशन के लिए कितने दिन तक अभ्यारिष्ट ले सकते हैं? फिशर में कॉन्स्टिपेशन के लिए अभ्यारिष्ट लेना ही नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरह के। फिशर में अभ्यारिष्ट का कोई भी रोल नहीं है। मोशन के रास्ते रेगुलर मसाज करें। अगर आपका फिशर क्रोनिक है तो छाड़ सुतरा कराएं। अगर ये नमस्ते बेटे, अगर ये एक्यूट फिशर है तो रिकवरी केवल और केवल जैत्यायी तेल से, त्रिफला घुंघरू को खाने से बन जाएगी, लेकिन अभ्यारिष्ट का किसी भी तरह का रोल नहीं है। अभ्यारिष्ट का रोल स्पेशली कहाँ पे है? जब आपको केवल और केवल कॉन्स्टिपेशन हो। अगर आपको केवल कब्ज है, फिशर या पाइल्स या कोई दूसरी बीमारी नहीं है, तो अभ्यारिष्ट काम करती है थोड़ा बहुत, ठीक है। सर फिशर ऑपरेशन के बाद भी ठीक नहीं हुआ है, अभी भी दर्द होता है, आपका बताया हुआ सारा कुछ किया बट ठीक नहीं हुआ, आप कौन से डॉक्टर से दिखाएं? अब हमको दिखाओ। अब किस डॉक्टर को दिखाओगे? हमको दिखाओगे? प्रोक्टोलॉजिस्ट को दिखाओ भाई, जो गुदारोग विशेषज्ञ होते हैं उनको दिखाओ, स्पेशलिस्ट जो होते हैं, मॉडर्न सर्जन को दिखा लिया एक बार, सर्जरी करा ली एक बार, हमको दिखा लो, ठीक है। पेट साफ खुलकर नहीं होता है, क्या करें? रात में 2 चम्मच गाय का देसी घी दूध के अंदर डाल के लें, और 1 चम्मच इसबगोल का पाउडर आता है, इसबगोल लें साथ में, इससे स्लोली स्लोली रिकवरी बनेगी, ठीक है। क्या है सर, मुझे फिशर हो गया है बट मैं ओए क्या ओएल से मसाज करता था, और आपकी बात
ताई हुई मेडिसिन खाता हूँ। अब पहले से बहुत ज़्यादा आराम है, पन कभी कभी होता है बहुत हल्का सा पेन, नहीं होता है, क्या करें। कुछ नहीं करना, केवल तेल की मसाज करो बस, और माइंड को रिलैक्स रखो, कुछ नहीं है आपको, ठीक है। हल्का सा माइंड बनता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सर जी कभी कभी हार्ड मोशन आता है। जयप्रकाश त्यागी जी, त्यागी जी रात में 2 चम्मच गाय का देसी घी दूध के अंदर डाल के लिए। अगर बहुत ज़्यादा वजन आपका है, आपका लगता है कि भाई बहुत वेट बहुत है तो आप घी नहीं खा सकते, तो आप कैस्टर ऑयल आता है एरंड का तेल जिसको बोलते हैं, आप उसको ले सकते हो 2 चम्मच गर्म पानी के साथ, सोते समय लो, और उसको बहुत लंबे समय तक आप ले सकते हो, उसका कोई नुकसान नहीं, ठीक है। एलन फिशर का ऑपरेशन करवा लिया अभी भी जलन, बेटे अपने डॉक्टर से एक बार मिलो बेटे। सर खून निकलता है रामचंद्र जी, अगर खून निकलता है तो इसको इग्नोर ना करें, अपने नियरेस्ट किसी अच्छे प्रोक्टोलॉजिस्ट से एक बार कंसल्ट कर लें, कभी कभी प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है। छाड़ सुथरा ही हुआ है सर गुलाम जी, छाड़ सुथरा हुआ है तो भी एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, क्या कह रहे हैं, ठीक है। सर जी मेरा ब्लड आता है, बंद हो जाता है, फिर होने लगता है, बट अब 15 दिन से नहीं हो रहा है। देखो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो मोशन के रास्ते इंटरनल पाइल्स पड़े हुए हैं, इंटरनल हिमरॉइड्स जिसको बोलते हैं, अंदरूनी बवासीर के मस्से, उसके अंदर स्क्लेरोथेरेपी एक प्रोसीजर होता है छोटा सा, किसी भी अच्छे प्रोक्टोलॉजिस्ट के पास जाके वो करा लो। इसको कहते हैं बवासीर के मस्सों के अंदर ही इंजेक्शन लग जाते हैं, आपकी ब्लीडिंग ऑन द स्पॉट चेकआउट हो जाएगी, वहीं के वहीं बंद हो जाएगी। दूसरी बात, जो पाइल मास का साइज आपका बढ़ा हुआ है वो कम हो जाएगा, मतलब वो बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। सर जी मुझे फिशर था, ठीक हो गया, स्पिंक्टोटोमी अब हो गया, स्पिंक्टोटोमी अब ठीक है, बट कभी कभी जलन होती है। स्पिंक्टोटोमी कराइए, ओके। ज्यादा तेल लगाया करो रेगुलर मलद्वार के अंदर। फिस्टुला ऑपरेशन के बाद क्या करना चाहिए, लंबी सिटिंग लंबी ड्राइव और नॉनवेज बंद करो, गुटखा पान तंबाकू ये करते हो तो बंद करो। ठीक है बेटे, डॉक्टर तो आपके, लेकिन एक बार कंसल्ट कर लो दोबारा जाके डॉक्टर से, ठीक है। अनिल कुमार सर फिशर में दर्द नहीं होता है और नहीं खून आता है, पर घाव नहीं ठीक हो रहा है। देखो मल द्वार के अंदर 6 o'clock पोजीशन पे, जिसको हम पोस्टीरियर पोजीशन बोलते हैं, 6 o'clock का मतलब होता है जिधर रीढ़ की हड्डी होती है, एक तो होता है जिधर आपका अंडकोश या वजाइना होती है उसको एंटीरियर पोर्शन बोलते हैं, जिसको आप 12 o'clock बोल सकते हो अगर मलद्वार को आप घड़ी मानो तो, और 6 o'clock पोजीशन का मतलब होता है जो रीढ़ की हड्डी की तरफ होता है। अगर वहाँ पे कोई घाव पड़ा हुआ है, वो दर्द करे ना करे, लंबे समय का कोई घाव है, तो छार सुतरा 101% होगा, चाहे वो दर्द ना करे, 0% उसके अंदर पेन हो, कोई भी दिक्कत ना हो, कुछ भी ना हो, 101% छार सुतरा होगा, ठीक है। ये दिमाग से निकाल दे कि सर केवल घाव पड़ा हुआ है, ठीक नहीं हो रहा सर, दर्द तो करता नहीं है, वही घाव स्लोली स्लोली फिस्टुला के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम भगंदर बोलते हैं, और वही फिस्टुला आपको फिशर से ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि जैसे आपका कोई भी इन्फेक्शन है भाई, इन्फेक्शन गंदा रास्ता होता है मलद्वार, अभी मोशन आपको रेगुलर करना है। मोशन क्या होते हैं, टॉक्सिन्स जो आपकी बॉडी के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किए जाते, उनको हम स्टूल के रूप में बाहर करते हैं। अब उन टॉक्सिन्स के अंदर ऑलरेडी गंदे बैक्टीरियाज वगैरह पड़े हुए हैं, जो कि बहुत जल्दी किसी भी इन्फेक्शन को पकड़ते हैं, बहुत जल्दी। तो किसी भी घाव के अंदर जब रेगुलर स्टूल के कण रुकेंगे और वहाँ पे किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी या कोई भी दूसरा ऐसा स्टूल का कण रुकने की वजह से कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन लाइक पेरिएनल एब्सेस अगर बन गया, तो क्या होगा, आपकी बीमारी बढ़ेगी घटने के बजाय, और आपकी कंडीशन खराब 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 हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन से बचने का सबसे अच्छा जरिया ये है कि आप अपने अच्छे डॉक्टर से एक बार मिल लें, अपने डॉक्टर को एक बार दिखा दो, छार सुतरा अगर होना है तो ऑन द स्पॉट छार सुतरा हो जाएगा और बहुत जल्दी उसकी रिकवरी बन जाएगी, ठीक है।
नमस्ते सर जी, मेरे को पाइल्स नहीं है, फिर भी एनस में बर्निंग सेंसेशन 4 साल से हो रहा है। मैं बहुत आयुर्वेदिक मेडिसिन ली, दिन में 2 बार तेल लगाया, कुछ काम नहीं कर रहा है। प्लीज सर कुछ बताएं। बैठ जाओ बेटे, यहीं बैठ जाओ। ऐसा है बेटे, कभी कभी बर्निंग सेंसेशन जो होता है ना मल द्वार के अंदर, वो कभी कभी हमारे एसिड सिक्रीशंस की वजह से होता है। अगर कभी कभी हमारे खाने पीने के अंदर ऐसी चीज़ें कुछ होती हैं जो हम या तो इग्नोर कर पा रहे हैं या फिर हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, हमारे खाने पीने के अंदर बहुत ज़्यादा एसिड की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से या बहुत ज़्यादा हम गर्म चीज़ खाने की वजह से हमारे एसिड के सिक्रीशन ज़्यादा होते हैं, और जब एसिड के सिक्रीशन ज़्यादा होते हैं तो वो स्लोली स्लोली हमारे स्टूल के साथ मिक्स होकर निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको रेगुलर बर्निंग बनता है। इसको हम जलन बोलते हैं। अगर वो रेगुलर बर्निंग बनेगा तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी खाने पीने के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट हो। आपको बीमारी कोई नहीं है, किसी तरह की बीमारी नहीं मिलेगी, कोई भी बीमारी नहीं मिलेगी इसके अंदर। आप एक काम करो, सूत शेखर रस आता है, सूत शेखर रस साधारण वाला लेना, स्वर्णयुक्त मत लेना। सूत शेखर रस की 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, थोड़ा लंबे समय तक ले लो, 2-3 महीने तक ले लो, और साथ में जैत्यादि तेल के साथ नारियल के तेल को बराबर मात्रा में मिक्स करके मोशन के रास्ते मसाज करना है सुबह और शाम दोनों टाइम। इस ट्रीटमेंट को 2-3 महीने फॉलो करो, वैसे कोई दिक्कत है नहीं, वो थोड़ा सा माइंड को भी रिलैक्स करो। कभी कभी बीमारी दिमाग से अटैच हो जाती है, होता कुछ नहीं। अभी एक बात बताओ, भी किसी को भी आप चाउमीन खिला दो, बहुत ज़्यादा मिर्च पड़ी हुई है, किसी को समोसे खिला दो या किसी को पिज्जा बर्गर खिला दो मिर्च वाला, किसी को भी लाल मिर्च ज़्यादा दे दो, तो बर्निंग सेंसेशन होना स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये प्रकृति का नियम है। जैसा खाओगे वैसे जाओगे। तो जो चीज़ आप बाई चांस कहते हैं ना कि भाई, कभी देखा है कि ऐसी नॉर्मल सी लैंग्वेज में बोलते हैं कि भाई आज बहुत ज़्यादा मिर्च खा रहा है, कल तेरे को सुबह पता लगेगा, ऐसे बोल देते हैं ना बहुत से, तो कि कल सुबह पता लगेगा, मतलब कि वो टॉक्सिन्स जो आपने लिए हैं, जिस बहुत ज़्यादा मिर्च अगर आपने खाई है तो मॉर्निंग में मोशन के रूप में वो बर्निंग सेंसेशन के रूप में दिखाई देगा। तो कभी कभी हम कुछ चीज़ें इग्नोर करते हैं अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर। अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर हल्का सुधार कर लें, अपने खाने पीने के अंदर हल्का सुधार कर लें, लाइक जैसे बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला बंद कर दें, बहुत ज़्यादा मिर्च नहीं डलवाना, घर के अंदर भी जाओ खाना सबको बोलो कि भाई बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला मत डालो, बहुत नॉर्मल सा नाम मात्र का हल्का सा रखो, तो हो सकता है कि आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व आउट हो जाए। क्योंकि बीमारी कभी कभी पेशेंट को कुछ होती नहीं है, फिर भी पेशेंट को लगता है कि पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी मेरे को लगी हुई है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन के लिए बेरिस्ट 1 से 1.5 महीना तक ले सकते हो, 1 से 1.5 महीना, उसके बाद स्लोली स्लोली मेडिसिन को टेपर डाउन करो। जैसे आपने 4-4 चम्मच बराबर पानी मिला के लिया, उसके बाद नेक्स्ट मंथ 2-2 चम्मच कर दो या 3-3 चम्मच कर दो, उसके बाद फिर 2-2 चम्मच कर दो, फिर 1-1 चम्मच कर दो, उसके बाद फिर बंद करो। ऑन द स्पॉट किसी भी आयुर्वेद की या किसी भी तरह की मेडिसिन को ऑन द स्पॉट बंद करना गलत होता है। ठीक है, मोशन जाते समय सूजन फील होता है बेटे, इसके लिए तो एक बार डॉक्टर को दिखाओ भाई। कभी कभी सूजन होती है इंटरनल पाइल मास की वजह से, बहुत से पेशेंट्स को मलद्वार के चारों तरफ ऐसा वर्द स्वेलिंग सी कर जाती है, तो उससे घबराने की बात नहीं होती। स्टूल करने के लिए जब जाते हो तो बहुत लंबे टाइम तक अंदर टॉयलेट के अंदर ना बैठो, ऑयली स्पाइसी बाजार के खाने बंद कर दो, फाइबर ज़्यादा लेना शुरू करो, किसी भी तरह का मोशन आप जब पास करने जाओगे तो बहुत लंबे लंबा टाइम नहीं देना मोशन को। ठीक है, जैत्यादि तेल से रेगुलर मसाज करें, और किसी भी तरह की पाइल्स की टैबलेट जैसे पाइलेक्स आती है, आजकल बटी आती है, 2-2 गोली सुबह शाम ले लें। ठीक है, पुनर्नवादी मंडूर आता है, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम, पुनर्नवादी मंडूर की 1-1 गोली सुबह शाम, वो सूजन के लिए होता है। पाइलेक्स या अर्शकल्प पट्टी की 2-2 गोली सुबह शाम, या तो पाइलेक्स लो या फिर अर्शकल्प पट्टी लो, इनको खा लो 15-20 दिन, अगर रिकवरी लगती है ठीक है, नहीं तो फिर अपने नियरेस्ट प्रोक्टोलॉजिस्ट को दिखाने का फायदा इसलिए है बेटे। कभी कभी बीमारी दूसरी होती है और हम दूसरी बीमारी का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। मल द्वार के अंदर हमेशा बवासीर नहीं होती, बहुत से पेशेंट्स के दिमाग में रहता है कि मेरे को बवासीर है सर, मेरे को पाइल्स की समस्या है। मल द्वार के अंदर हमेशा बवासीर नहीं होती, बहुत सारी बीमारियां हैं। किसी भी बीमारी को इग्नोर करना हम लोगों की मूर्खता होती है। कोई भी बीमारी आपको है, किसी भी तरह के सिम्टम्स आपको लगते हैं मलद्वार संबंधी, बॉडी के किसी भी पार्ट को लेके कोई भी सिम्टम्स लगते हैं, तुरंत उस चीज़ के स्पेशलिस्ट के पास जाओ। ठीक है, कभी कभी बीमारियों की स्टार्टिंग पोजिशन जो होती है वो बहुत जल्दी कवर में आती है और बहुत जल्दी ठीक हो जाती है।
हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, मल द्वार के अंदर क्षार सूत्रा 30% लोगों का होता है, 70% लोग जो होते हैं आने वाले वो मेडिसिन से रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप केयर नहीं करोगे, बहुत लंबे समय तक केयर नहीं करोगे अपनी, तो वो बीमारी स्लोली स्लोली खराब कंडीशन में जाती है, और जब खराब कंडीशन में जाएगी फिर क्या होएगा, डॉक्टर क्या बोलेगा कि भाई क्षार सूत्रा करना पड़ेगा, तब क्या करोगे। किसी भी तरह की बीमारी को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है पता है, मरीज का खुद का। पहले तो वो 4-5 महीने तो किसी को बताएगा नहीं मल द्वार के रोगों में, उसके बाद किसी को बताएगा किसको, जैसे वैद्य हकीम के पास चले गए, चुपचाप जड़ी बूटी ले आया, किसी को नहीं बताएगा घर पे, किसी मेडिकल स्टोर पे गया, अभी मेरे को पाइल्स की दिक्कत हो रही है भाई, मेरे को दर्द बन रहा है, 2-3 खुराक बना दे भाई, वो तुरंत बना देगा। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई डॉक्टर, ऐसा कोई स्टोर वाला नहीं है जो किसी भी मर्ज की दवाई ना दे पाए। आप कहीं जाके पता कर लेना, आप कुछ भी बीमारी बताओगे ना किसी भी डॉक्टर को, चाहे वो झोला साहब ही क्यों ना हो, 2-3 खुराक जरूर दे देगा, क्योंकि उसका काम है। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट कहां से होती है कि आपको किसी अच्छे प्रोक्टोलॉजिस्ट को सर्च करना है। तो सोशल मीडिया का टाइम है भाई, आपके आसपास डॉक्टर बैठे हुए हैं, सुनिए कि डॉक्टर नहीं बैठे हुए हैं भाई, ठीक है कोई भी प्रॉब्लम है उठाया, सर्च किया कि भाई मेरे प्रोक्टोलॉजिस्ट नियर मी, क्षार सूत्रा स्पेशलिस्ट नियर मी, कोई भी एनोरेक्टल सर्जन नियर मी, कुछ भी एक्स वाई जेड के कुछ भी डाल के, बवासीर के डॉक्टर मेरे पास आसपास कहाँ है, फिशर के डॉक्टर मेरे पास कहाँ है, कुछ भी डाल के देख लो, तुरंत मिल जाएगा सामने, तुरंत आ जाएगा, उनको दिखा लो एक बार जाके, ठीक है। मुझे बहुत बर्निंग होता है, डॉक्टर ने कहा है वैसा कुछ नहीं है, तो फिर बर्निंग क्यों। बर्निंग इसलिए कि आप नॉनवेज खाते होंगे 101%, और पेशेंट जितने भी नॉनवेज खाते हैं, आप अपनी लाइफ स्टाइल को बदलने की कोशिश करते नहीं हो, और सब चीज़ें डॉक्टर के ऊपर थोप देते हो। अपनी बीमारियों को ख़त्म करने का सबसे अच्छा जरिया पहले ये है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर बदलाव करो। अगर अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर कंप्लीट बदलाव किया हुआ है, आपको लगता है कि मैं बहुत केयर करता हूँ, बहुत अच्छी तरह केयर करता हूँ, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉल्ट ऐसा ज़रूर है जो आप पकड़ में नहीं आया आपकी। जैसे बहुत ज़्यादा लोगों के घर पे बहुत जैसे खाना बनता है, मिर्च मसाला ज़्यादा डाला जाता है, बहुत ज़्यादा बहुत फैमिलीज के अंदर, और उनको वो नॉर्मल इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक वही चीज़ खाते हुए आए हैं, वो उसके साथ में एडजस्ट करते हैं। लेकिन बहुत से बंदे जैसे बाहर से, अभी मेरे जैसा कोई चला गया उनके घर, तो मैं नहीं एडजस्ट कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होता मिर्च मसाला एडजस्ट कभी भी। भाई मैं तो इंसान ही हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, कोई मैं स्पेशल तो हूँ नहीं भाई, स्टडी करके आए हैं, डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं, प्रोक्टोलॉजिस्ट हो गए भाई, इस डिपार्टमेंट के हैं, ये बीमारी तो मेरे को भी हो सकती है ना, किसी को भी हो सकती है एक्स वाई जेड। अगर आप केयर नहीं करोगे तो आपका सनाजी ऐसा है कि जहाँ तक मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉल्ट है आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि इतने डॉक्टर को दिखाने के बाद आपकी रिकवरी बननी चाहिए थी। अगर आपको कह रहे कि भी मैंने इतनी जगह दिखाया मैं ठीक ही नहीं हुई, तो इसका मतलब कोई ना कोई फॉल्ट आपका खुद का अपना है, उसको चेंज करने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स लाइव बंद कर दें, 10 से 15 मिनट के लिए फेसबुक पेज पे मिलते हैं, डॉक्टर अनुज गोस्वामी के नाम से फेसबुक पेज है। अगर फॉलो नहीं किया है कोई भी बंदा ऐसा जो पहली बार आया है, तो फॉलो कर लो, उस पर भी मैं लाइव क्लिनिक करता हूँ। और हमारे लाइव क्लिनिक मेरे को लगता है कि अच्छे इसलिए है कि कम से कम एक पब्लिक अवेयरनेस तो जाती है लोगों के अंदर, एक जनरल अवेयरनेस जो होना चाहिए ऐसे डिपार्टमेंट को लेके, जो जहाँ पे लोग बात करने की भी कोशिश नहीं करते। तो 5 से 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए फेसबुक पेज पे मिलते हैं। जिस किसी का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगता है कि भाई नहीं लिया गया रह गया हो, तो वो मेरे पेज पे आ सकता है, ठीक है। 5 से 7 मिनट के बाद मिलते हैं फेसबुक पेज पे डॉक्टर अनुज गोस्वामी, ठीक है। गुड ब्लेस यू ऑल बेटे, गुड नाइट।